हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर। तो इसके लिए मैंने पहले यूज़ किया है ये MDF के बोर्ड, बट आपके पास ये बोर्ड ना हो तो डोंट वरी, आप ले सकते हो वेडिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स या बुक के पीछे के जो मोटे वाले गत्ते होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो और सर्कल शेप में कट कर सकते हो। बेसिकली आप किसी भी तरह का बोर्ड ये ले सकते हो और उसको सर्कुलर शेप में कट कर सकते हो, और फिर उसको करना है हमें ब्लैक पेंट। तो मैंने लिया है यहाँ पे फैब्रिक्रिल के पेंट और मेरी MDF बोर्ड है। तो यार ये पूरा पेंट इतना ज़्यादा सोक कर रहा था तो मुझे इसमें कम से कम 2 से 3 times में मुझे कोट करना पड़ा ब्लैक कलर से। बट स्टिल आप देख सकते हो फिर भी ये हल्का सा ब्लैक नहीं दिख रहा, ग्रे लग रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई जस्ट थॉट कि चलो उसको फिर डैब डैब वाला वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, देखा था ना स्पंज वाला जो होता है, तो फिर मैंने लिया ये स्पंज। स्पंज मेरे पास था नहीं तो मैंने क्या करा, बर्तन मांजने वाले स्पंज में से ही थोड़ा सा ऐसा सीजर से कट कर लिया और ऐसे ले करके कलर उसको डैब डैब करके अपने पूरे बोर्ड पर या सर्कल पे अच्छे से मैंने टैप टैप करके पूरे कलर को स्प्रेड करा है। ऐसे ही मैंने येलो कलर लिया, दूसरा कलर मेरा येलो लिया है, फिर उसको भी टैप टैप करा, बट देखने में ग्रीन लग रहा है ना, बट ये येलो कलर है और ब्लैक कलर पर आ गई थोड़ा सा ग्रीनिश शेड दे रहा है, बट इट्स येलो। तो ऐसे येलो कलर को भी मैंने क्रिएट करा और इसके बाद फिर मैंने लिया है ये डार्क ग्रीन कलर। तो ऐसे मैंने ये करके 3 अपने सर्कल रेडी कर लेंगे हम, तो एक डैप डैप मोशन से। अब हमारे कलर अच्छे से सूख गया है, फिर मैंने इसमें अपना जो भी मुझे ड्राइंग बनानी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने पेंसिल से पहले ड्राइंग को क्रिएट कर लिया है अपने मनचाहे डिज़ाइन को। फिर एक्चुअली मैं इसमें बनाने वाली हूँ वर्ली आर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने वाइट पेंट से, वाइट फैब्रिकल पेंट से मैंने यहाँ पर अपना पेंटिंग स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक मैन जो कि ड्रम बजा रहा है और ऐसे करके उसके हाथ में ड्रम स्टिक पकड़ा दिए हैं। तो फिर इस तरह से हमारा ये पहला सर्कल रेडी हो गया है। साइड साइड से मैंने ट्राइंगल बनाया और डॉट डॉट उसमें लगा दिया है जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक, और काफ़ी हैंड से ही पूरा ड्रॉ किया, मैंने कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया ताकि उसको जो वर्ली आर्ट का जो मेन जो थीम होता है ना हाथ से बनाना पूरा, वो चीज़ उसमें निकल कर रहा है। सेकेंड मैंने लिया ये ग्रीन कलर वाला फिर सर्कल और उसके अंदर मैं बनाऊँगी एक मैन जो कि बजा रहा है बाजा, तो ये बाजा बजाने वाला फिर मैंने बनाया है। और आप देख सकते हो कैसे, आप चाहो तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, कोई भी जो भी आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आप चाहो, ज़रूरी नहीं है ये वर्ली वाला ही आप पेंटिंग चूज़ करो, आप कोई भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप अपने मन के अकॉर्डिंग। और आप चाहो किसी भगवान का पेंटिंग भी बना सकते हो, जस्ट अप टू यू। तो हमारे ये तीनों सर्कल रेडी हो चुके हैं। एक में बनाया है मैंने ये ड्रम मैन, दूसरे में बाजा मैन और तीसरे में बनाया है ये दो आदमी जो कि एक ही ड्रम को बजा रहे हैं, धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक। चलो उसको अब छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि था वर्ली आर्ट वाला। अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द DIY वॉल हैंगिंग। तो उसके लिए चाहिए हमें ये आइसक्रीम स्टिक्स, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, 5-10 rupees का बंडल आता है, जस्ट इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता अगर नहीं है आपके पास, मेरे पास पहले से रखे हुए थे। और हमें कुछ चाहिए भल्ले वाली स्टिक्स, जैसे जो आइस भल्ला खाते ना शादी वन, तो एक्चुअली मेरी शादी के ही पड़े हुए थे सारे स्टफ़, तो उसी को मैं ही रीयूज़ करने वाली हूँ। तो ये वाली हमारे भल्ला स्टिक्स, तो एक सर्कल पे मैं यूज़ करूँगी दिस भल्ला स्टिक्स एंड बाकी पे ऐसे। तो हमें मैंने सबको ब्लैक पेंट कर लिया सबको और ऐसा हम स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो ऐसे मैंने जितने भी स्क्वायर थे टोटल हमारे 8 squares ऐसे लगेंगे। और उसके बाद ये मैंने एक सर्कल लिया है जिसको मैंने भल्ला स्टिक को भी ब्लैक पेंट कर लिया और चारों तरफ उस सर्कल के इस तरह से स्टिक कर लिया है। तो बन के कुछ हमारा ये ऐसा लगने वाला है। तो मैंने ड्रम मैन को लगा दिए हैं इन भल्ला स्टिक्स के ऊपर और अब देखते हैं
फिर मैंने लगाया ये कुछ मिरर्स मेरे पास पहले से बचे हुए रखे थे, जितने थे उतने ही यूज़ कर लिए, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदा। तो ये आपके ऊपर है, DIY है, मतलब वेस्ट मटेरियल यानी कि जो भी आपके घर में कबाड़ रखा है, कुछ भी बचा हुआ रखा है, तो यूज़ करो। तो ये चार स्क्वायर शेप्स को मैंने इस तरह से असेंबल करा है, आप देख सकते हो चारों साइड में, और ऐसे लगा दिया है। फिर उसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये वाइट पेंट से डॉट्स, और ये अब लग रहा है देखने में कुछ ऐसा। तो इस तरह से अब हमारी ये तीनों सर्कल्स रेडी हो चुके हैं एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। तो ये वॉल पे लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। मतलब इतने कम पैसों में पूरा अपने घर का कबाड़ यूज़ भी हो गया और आपकी वॉल भी डेकोर हो गई, दैट्स इट। And this is how I did my wall decor. So I hope you're gonna like it. And if you do, और इस तरह की videos के लिए please subscribe to my channel. Bye bye.